हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप दोस्तों? आपका आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, कन्वेंशंस हुए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, उनको जानने और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मेरी आप रिक्वेस्ट है कि मैंने क्या किया है कि वो समझौता कहाँ हुआ, कब हुआ, बस मैंने ये लिखा हुआ है। इससे कुछ और बिंदु हैं जो मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर दें और पेन कॉपी उठा के बैठ जाएं, ताकि मैं जो बोलता जाऊँ आप उन्हें लिख लें। और मैंने 19 समझौते लिए हैं, यही मुख्य समझौते हैं जो बार बार पेपरों में आते हैं। पेपर उठा के आप देख सकते हैं, चाहे वो सीटेट का हो या किसी स्टेटेट का हो, या आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पता है आपको कि बहुत ही बर्निंग इशू है पर्यावरण, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आजकल। हर जगह कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न से आते ही आते हैं, और आपके भी एक दो प्रश्न आते ही आएंगे ही आएंगे इससे। तो आप पेन और कॉपी उठा कर बैठ जाएं, ताकि मैं कुछ बोलता जाऊँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें, रिपीट भी कर दूंगा। और मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों छात्रों का ध्यान रखा हुआ है, ताकि कुछ इंग्लिश वालों के भी आ रहे थे कि हमारे लिए भी आप बनाएं, तो मैंने उनको भी ध्यान में रखते हुए आज इंग्लिश में भी कर दिया, ताकि वो भी नोट डाउन कर पाएं। तो दोस्तों आप लेके बैठ जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, और प्लीज़ वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, क्योंकि वही हमारे लिए एक प्रोत्साहन का काम करता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। कोई सलाह है तो सलाह भी आप अवश्य दें दोस्तों। मेरे चैनल टोटल नॉलेज पर ढेर सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप जाएँ वहाँ पर देखें। NCERT के हो गए, 6th 7th के ढेर सारे नोट्स पड़े हुए हैं, साइकोलॉजी के नोट्स पड़े हुए हैं, पर्यावरण के ढेर सारे नोट्स पड़े हुए हैं, और मैं रोज़ एक ना दो वीडियो आपको दूंगा। मैंने ऑलरेडी आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश भी करूंगा। चलिए आइए देखते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है पर्यावरण संबंधित जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, उनको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है हमारा रामसर कन्वेंशन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं रामसर समझौता, ठीक है। तो रामसर क्या है? रामसर एक ईरान का जगह है, लिखा भी इंग्लिश में रामसर इज सिटी इन ईरान, एक रामसर शहर में ये समझौता हुआ था, इसलिए क्या कहते हैं इसे रामसर समझौता कहते हैं। ये समझौता हुआ था 1971 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1975 में हुआ, ठीक है। ये किस लिए था, किससे रिलेटेड था? तो वेटलैंड से या आदिभूमि से, ठीक है। सॉरी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये था वेटलैंड से या आदिभूमि से रिलेटेड था, और इसमें 168 देशों ने भाग लिया, ठीक है। कितने देशों ने भाग लिया? तो 168 देशों ने इसमें भाग लिया। और ये यूपी से आता रिलेटेड, कि यूपी में आद्र भूमि जो है वेटलैंड साइट कौन सी है, तो आपको याद रखना है ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी कहने का मतलब है जो ब्रज घाट से नरोड़ा तक का इलाका है, वो शामिल है वेटलैंड एरिया के रूप में, वेटलैंड साइट के रूप में, ठीक है। और एक आता है कि सबसे बड़ा वेटलैंड एरिया, सबसे बड़ा आद्र भूमि एरिया कौन सा भारत का, तो आपको याद रखना चिल्का झील का क्षेत्र जो है। चिल्का झील कहाँ पे, आपको पता होगा उड़ीसा में है। तो ये इतने क्वेश्चन बनते हैं रामसर कन्वेंशन से, यानी रामसर क्या है? तो ईरान का एक शहर है। समझौता कब हुआ? तो 1971 में हुआ। लागू कब हुआ? 1975 में हुआ। ये किससे रिलेटेड था? तो वेटलैंड से, यानी आर्द्र भूमियों से रिलेटेड था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 168 देशों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में वेटलैंड साइट कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नदी या ब्रज घाट से नौरा तक का इलाका है वो वाला। और भारत में सबसे बड़ा एरिया जो कि वेटलैंड साइट के अंतर्गत है वो कौन सा है? तो चिल्का झील का क्षेत्र जो कि उड़ीसा में है। अगला हम देखते हैं विश्व विरासत सम्मेलन। विश्व विरासत सम्मेलन जो है वो हुआ 1972 में। ये विश्व विरासत सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया कि मानवता के लिए अत्यंत महत्व के जो स्थान है उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना आवश्यक था। तो कैसे बचाया जाए, इसके लिए ये कॉन्वेंशन किया गया, ठीक है। भारत के जो अभी टोटल विश्व विरासत सम्मेलन शामिल क्षेत्र हैं वो हैं 36। कितने हैं? तो 36 हैं। इनमें तीन कैटेगरियाँ बांटी गई हैं, आपको याद रखना है। एक है प्राकृतिक धरोहर की चीज़ें हैं, एक है सांस्कृतिक धरोहर की चीज़, और एक है मिश्रित धरोहर की चीज़। तो मैंने बताया कि भारत के कितने शामिल हैं, तो 36 हैं, और सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी में है, तो आपको याद रखना है प्राकृतिक धरोहर। प्राकृतिक धरोहर वाले में सॉरी सांस्कृतिक धरोहर में सबसे ज़्यादा है। सांस्कृतिक धरोहर में 28 हैं, आप नोट कर लें। सांस्कृतिक धरोहर में 28 क्षेत्र शामिल हैं, प्राकृतिक वाले में 7 है, और मिश्रित में 1 है, यानी 28, 7, 35 और 36। टोटल कितने हैं, आपको याद रखने हैं 36, ठीक है। अगला हम बढ़ते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये यूनाइटेड नेशन
ने करवाया था एक कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट का, जैसे नाम से स्पष्ट है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर याद कर लें। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से पर्यावरण को सुरक्षित करना है। जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से हैं उनसे पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इसके लिए समझौता हुआ था। ये तो समझौता कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था तो आपको याद रखना, 1972 में हुआ था। ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसी इसी कन्वेंशन के बाद यूएनईपी का जन्म होता है। यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, हिंदी में जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसका जन्म होता है इसी समझौते के बाद। और एक चीज़ और होती है, जो 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वो भी इसी समझौते के उपरांत। इसी समझौते में ये कहा गया कि हम 5 जून को अब विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो चीज़ याद रखनी है कि स्टॉकहोम समझौता कब हुआ, 1972 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से पर्यावरण को सुरक्षित रखना। और यूएनईपी का जो जन्म होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसी समझौते से होता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा भी इसी समझौते के अंतर्गत की जाती है। अगला है सिटीज, यानी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। मैं इसका हिंदी लिखना भूल गया हूँ, मैं बता देता हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ जिसमें कहा गया कि जो विलुप्त होने के कगार पे हैं जो स्पीसीज हैं, जो फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फौना का मतलब होता है पशु, यानी जो विलुप्त होने के कगार पे हैं पेड़ पौधे और पशु, उन पे लेके था, उनके व्यापार को लेके था ये कन्वेंशन। और ये कन्वेंशन कब हुआ, तो 1973 में हुआ, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, पांचवा है हमारा बॉन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है। बॉन समझौता कब हुआ, 1979 में हुआ, लेकिन लागू कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ, तो आपको याद रखना है 1983 में हुआ, ठीक है। बॉन जो है जर्मनी का एक शहर है, वहाँ पे समझौता हुआ, इसलिए इसका नाम बॉन समझौता रख दिया गया। इसमें क्या थी, इसमें मेन जो बात था वो कार्बन स्पेस को लेके बात हुई, कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पे, पता है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को लेकर लगातार बात हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा प्रदूषक है, और ग्रीन हाउस गैस के लिए इफेक्टिव, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो इस समझौते में कार्बन उत्सर्जन को लेके बात की गई थी। इसे COP23 के नाम से, COP23 के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना है। यानी बॉन समझौता किससे रिलेटेड है, तो या तो आता है कार्बन स्पेस से क्या रिलेटेड है, तो आपको याद रखना बॉन समझौते से रिलेटेड है। और इसमें किससे बात की गई, तो कार्बन उत्सर्जन के ऊपर बात की गई, ठीक है, आपको इतना याद रखना है इसमें। अगला है हमारा वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, विश्व संरक्षण रणनीति, तो ये कब हुआ, ये हुआ 1980 में, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें बात की गई कि जो प्रकृति एवं प्राकृतिक संरक्षण की चीजें हैं उनका अनैतिक एवं जो गैर कानूनी तरीके से व्यापार किया जाता है, उस पर रोकथाम लगाने के लिए एक रणनीति बनाई गई, यानी उसको कैसे संरक्षित किया जाए उसके लिए एक रणनीति बनाई गई। क्योंकि आपको पता है कि लोग गैर कानूनी तरीके से या अनैतिक तरीके से जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका व्यापार करते हैं, तो उसको रोकने के लिए एक रणनीति तैयार की गई। वो कब की गई, 1980 में की गई। अगला बढ़ते हैं हमारा है नैरोबी घोषणा, ठीक है। नैरोबी घोषणा, नैरोबी क्या है, आपको पता है केन्या की कैपिटल है नैरोबी, तो वहाँ पे एक हुई 1982 में। इसका जो था, मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में, 10 ईयर्स ऑफ स्कॉटलैंड कॉन्फ्रेंस, जो स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुआ था उसकी 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया, ठीक है। और 19 चीज़ों को दोहराया गया इसमें, और इसमें इस बार 105 देशों ने भाग लिया, ठीक है। तो ये था स्टॉकहोम वाला चीज़ आपको याद रखनी है, कि वही सारी चीज़ें इसमें दोहराई गई, और किस लिए दोहराई गई, तो उसकी 10वीं वर्षगांठ के रूप में यहाँ पे मनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए, ठीक है। अगला हमारा वियना समझौता, वियना समझौता कब हुआ, 1985 में। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है वियना, पता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है वियना, और वियना समझौता कब हुआ, 1985 में हुआ। बिना समझौता जो था वो ओजोन लेयर को था, ओजोन लेयर को कैसे बचाया जाए, ओजोन परत की रक्षा कैसे की जाए, उसके लिए था ये। यानी अगर पूछा जाए बिना समझौता किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ओजोन परत की रक्षा को लेके है। और इसमें एक बात और की गई, जो CFC गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके इस्तेमाल के लिए कानून बनाया जाए, या कम से कम इस्तेमाल करने की कोई ऐसी बाध्यकारी नियम को बनाया जाए। यानी दो चीज़ों से है, ओजोन परत की रक्षा और CFC के बारे में इसके ऊपर बात की गई, ठीक है। ये कब हुआ, तो 1985 को हुआ, आपको याद कर लेना है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो
1987 में इस पे बात हुई, सम्मेलन हुआ ये, और लागू कब से हुआ तो 1989 1989 में, ठीक है। अब ये जो था ये ओजोन क्षरण जो बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए था, ठीक है, कि ओजोन क्षरण को कम करने के लिए। उसमें कहा गया कि 2000 के बाद से हम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो, इस पे HFC, हमने ऊपर पढ़ा कि CFC, यहाँ पे HFC को लागू करने की बात की गई, और इसमें भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन क्षरण को कम करने के लिए था, ठीक है। ये कब हुआ तो 1987 में हुआ, प्रभावी कब से हुआ तो आपको याद रखना 1989 से हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़। अगला हमारा पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग, ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ये कब हुआ तो 1987 को हुआ, ठीक है। इसको ब्रंडलैंड आयोग, ब्रंडलैंड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ब्रंडलैंड कमीशन के नाम से जाना जाता है कि जो नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी उस समय, लेडीज थी ग्रो हार्लेम ब्रंडलैंड, वो इसकी अध्यक्षा थी। इसमें 21 लोगों ने भाग लिया, तो उनके नाम पे इस आयोग का नाम ब्रंडलैंड आयोग भी रखा जाता है, ठीक है। वैसे इसको कहते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ब्रंडलैंड आयोग क्यों कहा जाता है, मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये जो कमेटी गठित हुई थी 1983 में हुई थी, ठीक है, भले ही ये प्रभावी हुई 1987 में, लिखना भूल गया हूँ मैं, तो आपको याद रखना जो ब्रंडलैंड कमेटी थी वो गठित हुई थी 1983 में, और इसकी हेड थी नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री थी, उनका पूरा नाम था ग्रो हार्लेम ब्रंडलैंड, उनके अंडर में इस कमेटी ने भाग लिया। और इस जो भी इन्होंने रिपोर्ट छापी, उस रिपोर्ट के छपने के बाद ही क्या है, पूरे विश्व का ध्यान पर्यावरण की समस्याओं और उसकी भयावहता की ओर गया, कि मनुष्य के अस्तित्व पे कैसे खतरा मंडरा रहा है उसके ऊपर बात किया गया। और एक चीज में और निकल के आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सुनते होंगे आप, साधारणीय विकास की बात सुनते होंगे आप, वो शब्द भी इसी आयोग के बाद बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कब हुआ तो 1987 में हुआ। अगर पूछा जाए ब्रंडलैंड आयोग की गठन कब हुआ तो इसमें ये हुआ 1983 को। इसमें कितने मेंबर थे तो आपको याद रखना है 21। ब्रंडलैंड कौन थी तो ब्रंडलैंड एक लेडीज थी जो कि इसकी हेड थी, वो नॉर्वे की, एक नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला हमारा बेसल समझौता, बेसल समझौता कब हुआ, ये हुआ 1992 को, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेसल समझौता यानी बेसल कन्वेंशन कब हुआ, 1992 को, 1992 में। इसका था खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पर स्थानांतरित नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे संबंधित कानून बनाया जाए। मतलब जो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको जो सीमा पार से आयात किया जाता है उसके ऊपर क्या किया, नियंत्रण लगाया जाए। दूसरे देश क्या होते हैं, अपने यहाँ जो कूड़े कचरे होते हैं जो विकसित देश हैं वो छोटे देशों को भेज देते हैं, तो उन पर नियंत्रण लगाने के लिए समझौता हुआ कि ऐसा न किया जाए, इससे बचा जाए, क्योंकि जो विकासशील देश हैं या बहुत ही गरीब देश हैं उनको घाटा हो रहा था। तो इसके बारे में बात की, यानी किससे था, तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के आयात को लेके था ये सम्मेलन। अगला है 12वां पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 को हुआ, ठीक है। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन भी हो चुका है, अब दूसरा पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ है 2002 में, आपको याद होगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। तो दो सम्मेलन याद रखने हैं, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, और दूसरा जो हुआ है वो हुआ है सॉरी वो हुआ है 2002 में, ठीक है। अब समझते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पृथ्वी सम्मेलन यानी जो पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा पृथ्वी को प्रभाव पड़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, इसको लेकर सम्मेलन किया गया। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया तो आपको याद रखना 1992 को, और दूसरा कब हुआ 2002 को किया गया, जो हंसबर्ग दक्षिण अमेरिका में। अगला है 13वां क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो ये मिले कब, 1997 1997 में, लेकिन लागू कब से हुआ है 2005 से हुआ। इसका जो था ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उसको लेके बात की, यानी ये किससे रिलेटेड है, तो ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा रोटरडम कन्वेंशन यानी रोटरडम सम्मेलन, जो कि हुआ 1998 में, लागू कब से हुआ, ये हुआ 2014 से। इसमें जो खतरनाक रसायन एवं कीटनाशक हैं उनके आयात पर रोक लगाने के लिए किया गया, और कहा गया कि सारे देश अपने उत्तरदायित्व को समझें और खतरनाक रसायन कीटनाशकों का आयात कम से कम करें और उनका इस्तेमाल भी कम से कम करें, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, खतरनाक रसायन एवं कीटनाशकों के
आयात से था। कॉटेगन या कॉटेजेना प्रोटोकॉल जो है उसको देखते हैं, ये हुआ 2000 में हुआ, लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ, 2003 से हुआ। कॉटेजेना प्रोटोकॉल में जैव विविधता की रक्षा को लेकर बात की, यानी जो बायो, ये किससे था, तो बायो सेफ्टी से लिखा भी है इंग्लिश में, बायो सेफ्टी, यानी ये जैव विविधता की रक्षा को लेकर था। आपको याद रखना हिंदी में कॉटेजेना किससे था, तो बायो विविधता की रक्षा को लेकर था। अगला है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी 2004, ठीक है। अब स्टॉकहोम समझौता वो कब हुआ, पीओपी को लेकर था, ठीक है, एक हमने पढ़ लिया है। ये कब हुआ, 2001 को हुआ, और लागू कब से हुआ, 2004 को। हम समझ लेते हैं कि पीओपी क्या है। पीओपी एक कार्बनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के जो जैविक या रासायनिक क्षति से बचाता है, जैविक क्रिया के द्वारा या रासायनिक क्रिया के द्वारा क्षति होता है, उसे पीओपी क्या करता है, बचाने का काम करता है, ठीक है। तो इसको लेकर जो समझौता वो कब हुआ, वो 2001 में हुआ, लागू कब हुआ, ये 2004 में हुआ, और कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना स्टॉकहोम में हुआ। किससे था, तो ये पीओपी से। पीओपी मैंने बता दिया आपको, ये प्रकार कार्बनिक कंपाउंड होता है जो इन्वायरमेंट को जैविक या रासायनिक क्षति से बचाने का काम करता है, बचाता है। अगला है हमारा जोहान्सबर्ग घोषणा, ठीक है। जोहान्सबर्ग घोषणा कब हुआ, तो ये हुआ 2002 में। हमने पृथ्वी सम्मेलन की बात कर ली, मैंने 1992 वाला जो आपको बताया उसी को दोहराएगा, 2002 में हमने बात कर ली है। अगला था हमारा नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ, ये हुआ 2014 में, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल में भी हम जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहित करने की बात की गई, कि जैव विविधताएं जो जो प्राणी हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, जो फ्लोरा फौना की बात की, विलुप्त हो रहे हैं, उनको बचाने का काम किया जाए, उनको संरक्षित करने का काम किया जाए, लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए, इसके लेकर बात इसमें की गई। अगला और लास्ट हमारा पेरिस समझौता। पेरिस समझौता हुआ, वो हुआ 2015 को। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और उसके समन को लेके बात की गई, यानी ये किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और समन से, और ये लागू कब से होगा, तो यह 2020 से शुरू होगा, ठीक है। दोस्तों हमारा ये था आज का वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।